जो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू ओल्ड एज, आजकल अगर देखें बच्चों में भी होता है अस्थमा, हर एज में हो गया आजकल, कोई बीमारी अगर देखें तो वो हर एज में ही है। ख़ासतौर पे अस्थमा एक लाइफस्टाइल डिजीज़ की कैटेगरी में आता है, और ख़ासतौर पे वो लोग जिनके लंग्स आर कॉम्प्रोमाइज्ड। लंग्स आर कॉम्प्रोमाइज का मतलब ऐसा है कि हम जब पैदा होते हैं तो कोई ना कोई एक ऑर्गन फॉर ईच वन ऑफ अस इंक्लूडिंग मी एंड यू वीकर होता है इन कंपेरिजन टू रेस्ट ऑफ द ऑर्गन। तो जब भी कभी कोई अगर चोट पहुंचती है बॉडी में तो सबसे पहले जो ऑर्गन सबसे वीक है उस पे चोट पहुंचती है। तो कुछ केसेस में वो लंग्स होता है, कुछ लोगों के केसेस में हार्ट होता है, जैसे मेरे केस में अगर बोलूँ तो स्टमक है शायद, तो कुछ लोगों में वो लंग्स अगर है तो वो अस्थमेटिक हो जाएंगे। अस्थमा का सिंपल मतलब इतना जान लें तो सोल्यूशन भी जान लेंगे, मतलब ये कि जो हमारी सांसों की नली है जहाँ से सांस ब्रीद इन करते हैं ब्रीद आउट करते हैं वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इन्फ्लेम मतलब अगर उसको खोल के देखेंगे तो उसमें घाव घाव दिखेगा आपको, माइक्रो घाव, लेंस से देखना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से उसके पाइप बोलते हैं ना जो श्वास की नली ना, तो वो छोटी हो जाती है, उसका डायमीटर कम हो गया। अब जब डायमीटर कम हो जाएगा तो सांस लेने में जाहिर सी बात है जैसे पानी का नल का अगर डायमीटर कम हो गया तो क्या होगा, वो ठीक से सांस ले नहीं पाएंगे, है ना, तो ठीक से पानी जाएगा नहीं। तो वही है अस्थमा, और वो धीरे 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 वो जो और वो कम होता जाता, जब एकदम कम हो जाएगा तो सांस ही नहीं ले पाएगा, और सांसें ही हमारी लाइफ है, हमें पता है। पंप नहीं है मान लो तो क्या करना है वो मैं बता सकता हूँ। हाँ, वो बताइए आप सबसे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आगे से पहले तो एक डाइट मैं बताऊँगा, DIP डाइट जैसे बोलते हैं, उस पर तो रहना ही रहना है, लेकिन उसके अलावा जैसे ही इस तरह की उनको सिम्टम आ जाते हैं, ब्रेथलेसनेस की सिम्टम आते हैं तभी वो लेते हैं पंप। सिम्टम आने से पहले या सिम्टम आते ही उनको एक चीज़ करना है जो उनका रूटीन का पार्ट बना लो, एक कप गर्म पानी में, वेरी हॉट वाटर में एक चम्मच हल्दी का पाउडर डाल के मिला लें और चाय की तरह पी लें, और उतनी जल्दी पिए कि ठंडा होने से पहले पीना, दैट द फर्स्ट थिंग। और ये जीवन का नियम बना लें, दिन में 2-3 बार तो पीना ही है, या फिर जैसे ही सिम्टम आए तब पीना है। ये हो गया एक। दूसरे में उनको एक प्रैक्टिस करनी है कि रोज़ जब सोएं तो हम एक तो आसमान की तरफ सिर्फ देख के सोते हैं, दूसरा नीचे की तरफ देख के सोते हैं, राइट। तो जिसे बोलते हैं प्रोन पोजिशनिंग, प्रोन पोजिशनिंग में भी रोज़ 1 घंटा सोने का प्रैक्टिस करें, या तो ये दूसरा है प्रोन पोजिशनिंग। तो प्रोन पोजिशनिंग में प्रैक्टिस प्लस हल्दी, ये इंस्टेंट रिलीफ देने का काम करेगा फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट, इंस्टेंट रिलीफ। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि परमानेंटली क्योर हो जाए तो DIP डाइट में पेशेंट जा सकते हैं। DIP डाइट क्या है, ये वेरी सिंपल है। स्टेप 1, 12 बजे तक सिर्फ फलों पे रहना है, 3 से 4 तरह के फल लेने हैं, लेकिन इनमें से एक तरह का फल सिट्रस फ्रूट होना चाहिए, ये दिमाग में रखना है। सिट्रस मतलब मौसम्बी है, संतरा है, पाइनएप्पल है, और बाकी 3 अपने पसंद के। तो 4 तरह के फल ले लिए, उनमें से एक सिट्रस फ्रूट है, और ऐसा और पेट भर के खाना है 12 बजे तक। कितना लगभग आपके बॉडी वेट, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg, तो 700 ग्राम × 10, 700 ग्राम मिनिमम खाना है, और कुछ और नहीं खाना है 12 बजे तक, नंबर 1। नंबर 2, जब भी कोई वो पेशेंट लंच और डिनर के लिए बैठेंगे तो 2 प्लेट लेके बैठेंगे, एक प्लेट 1 प्लेट 2। प्लेट 1 में सलाद खाना है, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, प्याज, मटर, सलाद पत्ता, लाल पीली हरी, शिमला मिर्च, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल है जो इंसान कच्चा खा सकता है। और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, बॉडी वेट इंटू 5, मान लो मेरा बॉडी वेट 70 kg × 5, दैट बिकम 350 ग्राम, इतना तो खाना ही, एक वेइंग मशीन ले लें बड़ा काम आएगा। इतना खाने के बाद फिर उनको लेना है प्लेट 2, विच इज़ अ कुक्ड फूड, कुक्ड वेजिटेरियन फूड। तो ये लंच में करना है और ये डिनर में करना है, दो चीज़ों को छोड़ना भी है। एक तो डेयरी प्रोडक्ट, ये डेयरी प्रोडक्ट है ये बहुत बड़ा दुश्मन है लोगों की, जिन लोगों के दिमाग में सवाल आता है, आप मेरे कहने पर 15 दिन छोड़ के देखिए, 15वें दिन आप पूछिए कि अब मेरी हेल्थ कैसी है, अब मेरी सांसें कैसी है, अब मैं कितनी बार पंप ले रहा हूँ, इन सब के पॉजिटिव आंसर मिलेंगे इसका मतलब आपको दूध की ज़रूरत नहीं है, अगर इन सब के नेगेटिव आंसर मिलेंगे तो दूध कंट्रीब्यूटिंग था। तो मैं ये बोलता हूँ कि पहले क्या था अभी क्या है, ये सारे सवालों से अच्छा व्हाई डोंट यू डू ऑन योर सेल्फ, ये तो वही एक बात। अब आंसर देते हैं कि पहले आप अगर कंपेयर करते हैं आज से 70 साल पहले की बात करें तो लोग तब के धूप देखिए, तब की हवा देखिए, तब का दूध देखिए। अब जो दूध के नाम पे आता है वो आता है केमिकली आता है एक्चुअली, जो दूध समझ के आप पीते हैं, तो पहले तो ये केमिकल है। दूसरा याद रखिए, प्रकृति का नियम है कि जो भी दूध है वो अपने माँ का दूध पीने के लिए है, वो गाय का दूध बहुत न्यूट्रिशस है लेकिन गाय के बछड़े के लिए, ना कि आपके लिए है। आपके लिए जो दूध था, आपकी माँ का दूध था, वो पहले 3 साल के लिए था, उसके बाद जीवन भर कोई भी जानवर ऐसा नहीं जो किसी और जानवर का दूध पीता, इंसान ही पीता है।
और कोई भी जानवर ऐसा नहीं जो जीवन भर दूध पीता है, राइट। अगर आप सोचते हैं कि दूध से मुझे कैल्शियम मिल जाएगा जिससे हड्डियाँ मजबूत होंगी, तो देखिए हाथी घोड़ा है, गाय है, इन सब की हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं, तो इनको कैल्शियम कहाँ से मिला? उनको भी मिला सब्जियों से, पेड़ पौधों से, पत्तों से, आपको कहाँ से मिलेगा? सेम सोर्स से, ये DIP डाइट में वही सब तो है। तो ये मिथ चला आ रहा है, और मैं तो ये बोलता हूँ आप टेस्ट करके देखो, 15 दिन देखो, अगर जीवन भर दूध पिया है तो 15 दिन नहीं भी पियेंगे तो कोई ऐसा डिफिशेंसी तो होने नहीं वाला। और आपको क्या पता, यही एक चीज़ है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है बीमारी को ठीक ना होने देने में। और मैं बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, मैंने हज़ारों की तादाद में पेशेंट देखे हैं पिछले 12 सालों में, तो द मोमेंट यू स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट, 15 दिन के अंदर आपके बहुत सारे, जैसे एनर्जी लेवल है, नींद कितनी गहरी आती है, किसी तरह का डिस्कम्फर्ट पेन अगर है घुटनों में वो चला जाता है, अस्थमा में बहुत ज़्यादा, अबाउट 30% रिलीफ सिर्फ एक चीज़ से मिल जाएगा, द मोमेंट यू स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट यू गेट 30% रिलीफ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकॉन, लाइक द वीडियो एंड डू कमेंट। थैंक यू।